व्हाट इज द श्रिंकेज लिमिट? श्रिंकेज लिमिट देखिए, इसको मैं स्टार्टिंग से ही डिस्क्राइब कर देता हूँ। मान लीजिए कोई सॉइल मास है, किसी फील्ड से आप मिट्टी लेके आए, ये मिट्टी के पार्टिकल्स ये हैं। मान लीजिए मिट्टी के पार्टिकल्स ये हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स में जब हमने वाटर ऐड किया, वाटर को हम लोग ब्लू कलर से दिखा देते हैं। जब हमने ये वाटर ऐड किया तो जितने इसके सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर वॉइड थे, उस वॉइड में ये वाटर सेचुरेट हो गया, उस वॉइड में ये वाटर फिल हो गया। जब वॉइड में ये वाटर फिल हो गया, यानी कि हमारी सॉइल किस कंडीशन में आ गई? फुली सेचुरेटेड कंडीशन में। हमारी सॉइल किस में आ गई? फुली सेचुरेटेड कंडीशन में। फुली सेचुरेटेड कंडीशन में, फुली सेचुरेटेड सॉइल हो गई। तो ये कहता है कि हमारा श्रिंकेज लिमिट की डिफिनेशन आपको क्या कहती है कि इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट बिलो विच एनी रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट डज नॉट लीड्स टू द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एज वाटर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एयर इफ वाटर इज रिड्यूस्ड बिलो द श्रिंकेज लिमिट। या इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज स्टिल कम्प्लीटली सेचुरेटेड। कहने का मतलब ये है कि ये वो पानी की वह मात्रा, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज फुली सेचुरेटेड, यानी कि पानी की वह मात्रा, इतना पानी इसके वॉइड में भर दें कि ये पूरी फुली सेचुरेटेड कंडीशन में हो। मान लीजिए कोई कॉम्पैक्ट सॉइल मास है जो आप फील्ड से उठा के लेके आए हैं। अब इस सॉइल मास में अगर इसका वाटर को आप इवेपोरेट भी कर देते हो, इसको ड्राई भी कर देते हो, तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे दूसरी बाउंड्री में ये बना दूं कि इसमें आपने वाटर इतना इसमें मिलाया है, इसमें आपने इतना वाटर आपने इसमें मिलाया है कि आपका ये सेचुरेटेड हो, सेचुरेटेड कंडीशन में आ जाए। इतना इसमें वाटर मिला दिया है आपने कि ये सेचुरेटेड कंडीशन में आ जाए। जब आप और वाटर मिलाओगे, सॉरी, जब इसमें आप और वाटर मिलाएंगे, तो जब आप इसमें और वाटर मिलाएंगे तो अब देखिए क्या होगा। जैसे इसमें और वाटर मिलाया, मोर वाटर आया, तो ये प्लास्टिक लिमिट गेन कर लेगा, ये प्लास्टिक लिमिट गेन कर लेगा। ये कौन सी लिमिट हो जाएगी? प्लास्टिक लिमिट गेन कर लेगा। जब इसमें और वाटर मिलाया जाएगा, इसकी बाउंड्री से जब बाहर जाएगा, तो ये हमारा किस कंडीशन में आ जाएगा? ये हमारी आ जाएगी लिक्विड लिमिट की कंडीशन में। ये आ जाएगा हमारा लिक्विड लिमिट की कंडीशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे हमारे जो सॉइल के वॉइड हैं, उस वॉइड में हमारा इतना पानी भर दें कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, वो सारे संतृप्त कंडीशन में आ जाएं, सारे सेचुरेटेड कंडीशन में रहें हमारे सॉइल के पार्टिकल। वो कंडीशन हमारी कहलाती है फुली सेचुरेटेड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? फुली सेचुरेटेड कंडीशन। जब हम इसमें और वाटर मिक्स कर देते हैं तो वो प्लास्टिक की कंडीशन आ जाती है, यानी कि प्लास्टिक लिमिट की कंडीशन, यानी कि जितनी इस पानी को जरूरत है उससे थोड़ा सा पानी ज्यादा मिल गया। और इसके बाद में जब हमने और पानी मिला दिया तो वो फ्लो की कंडीशन में आ जाता है कि वाटर के साथ में हमारे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बहने लगे, वो फ्लो करने लगे, तो वो कहलाती है आपकी लिक्विड लिमिट। अब जैसे इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। कैसे? समझिए इसको थोड़ा सा। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया था आपको, इस डायग्राम में मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी। ये थी लिक्विड लिमिट WL, ये थी लिक्विड लिमिट ये WL, ये थी बेटा प्लास्टिक लिमिट WP, और ये थी श्रिंकेज लिमिट WS, ये था बेटा वॉल्यूम VL एट लिक्विड लिमिट WL, तो ये हो जाएगा VL, फिर ये हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट तो VP, फिर ये क्या हो जाएगा VS, तो ये क्या हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट, और ये पॉइंट जीरो है। तो इस पॉइंट जीरो में, तो अब ये श्रिंकेज लिमिट जो अगर हम इसको डिफाइन करना है, तो बेसिकली इस श्रिंकेज लिमिट ये वो लिमिट है कि जिस लिमिट में हमारा श्रिंकेज लिमिट, हम इसको कहते हैं सॉइल सॉलिड के वॉइड में हमारा वाटर फिल हो जाए, सॉइल सॉलिड के जो वॉइड हैं उसमें वाटर फिल हो जाए,
उस कंडीशन में श्रिंकेज लिमिट का जितना वॉल्यूम था, श्रिंकेज लिमिट का मतलब ये नेचुरल स्टेट में जो सॉइल हो, हम लोग क्या करें, मिट्टी को लेके आए बाहर से, मिट्टी को लेके आए, मिट्टी के जो सॉइल के छिद्र हैं, जो वॉइड है, उसमें पानी इतना भर दें कि उसके वॉइड अकेले फिल हो जाए, उसके वॉइड अकेले पानी से फिल हो जाए, तो क्या उसके वॉल्यूम में चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जब हम उसमें मोर वाटर और ऐड करेंगे कि उसके जो छिद्र हैं वो भर गए हैं, इसके बाद भी हम पानी मिलाए जा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका आयतन बिल्कुल बढ़ेगा बढ़ेगा। तो जैसे ही उसका हमने थोड़ा सा भी पानी ऐड किया तो ये वॉल्यूम ये बढ़ गया, जैसे ही हमने वाटर कंटेंट डब्ल्यू एस से ज़्यादा थोड़ा सा भी ऐड किया तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया और आगे बढ़ गया, हमारा वॉल्यूम कितना और इंक्रीज हो गया। हमने और वॉल्यूम ऐड किया, वाटर कंटेंट और ऐड किया, हमारा वॉल्यूम और बढ़ गया। हमने और वाटर कंटेंट ऐड किया यहाँ पे और हमारा वॉल्यूम और बढ़ गया। इस तरीके से अगर हम इसमें वॉल्यूम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, जो वाटर कंटेंट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जाएगा। एक लिमिट होगी जिसमें वो जो प्लास्टिक लिमिट कहलाएगी और दूसरी जो लिमिट होगी वो लिक्विड लिमिट कहलाएगी। ये प्लास्टिक लिमिट है और ये कौन सी लिमिट है, लिक्विड लिमिट है। तो इसको हम लोग आगे समझते हैं कि इस पूरे डायग्राम को हम लोगों को कैसे समझना है, ये आगे चल के पूरी कहानी बताएगा। ये देखिए इस तरीके से इसको भी डिफाइन किया गया है कि ये है आपकी, देखिए वॉल्यूम, ये श्रिंकेज लिमिट है, फिर ये प्लास्टिक लिमिट है, फिर ये क्या है आपकी लिक्विड लिमिट है। तो ये वॉल्यूम यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और होगा, ये वीपी वॉल्यूम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वीएल वॉल्यूम हो जाएगा, लिक्विड लिमिट वाला हो जाएगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम में हम लोग वाटर ऐड करते हैं वैसे वैसे वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, मैं आपको आगे समझाता जा रहा हूँ, चीजें ये हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करके चीजों को आप कवर अप करिए, कैसे, ये है देखिए, ये आपका क्या है, ये जीरो पॉइंट है, ये लिक्विड लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है और ये श्रिंकेज लिमिट है। ये वीएल है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया है, ये लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट और ये श्रिंकेज लिमिट, ये लिक्विड वॉल्यूम, ये प्लास्टिक और ये श्रिंकेज, इतना हो गया ये पूरी कहानी इसकी। तो ये आपकी लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक हो गई और ये क्या हो गई, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड और ये क्या हो गई, सॉलिड। तो जैसे जैसे हम इसका वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें और बढ़ती जाएंगी। तो अब देखिए जरा कैसे करना है हम इसको, स्टार्टिंग में हमने दो इसके फेस सेलेक्ट कर लिए, स्टार्टिंग हमने इसके दो फेस सेलेक्ट कर लिए, एक नंबर एक ये कर लिया और ये जो प्लास्टिक लिमिट वाला है एक यहां पे सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और ये जीरो सेलेक्ट कर लिया। तो नंबर एक पे ये हो गया, नंबर दो पे ये हो गया और नंबर तीन पे ये हो गया, ठीक। तो इतना इसका वॉल्यूम हो गया। अब इसी तरीके से यहां पर भी हो गया, ये नंबर एक हो गया, फिर ये नंबर दो हो गया और ये नंबर तीन, इस तरीके से यहाँ पे भी हमने वॉल्यूम कुछ नंबर तीन सेलेक्ट कर लिया कुछ भी, ठीक है ना, यानी कि प्लास्टिक लिमिट के बीच में इतना वॉल्यूम हमने देख लिया, यानी कि लिक्विड प्लास्टिक लिमिट से हमने ज़्यादा और वाटर हमने ऐड कर दिया है। तो अब देखिए हमने पहली कंडीशन में, जो हमारी ये दूसरी कंडीशन है, इसमें हमने पानी उतना ही ऐड किया है, हमने वाटर ये उतना ही इसमें ऐड किया गया है कि जितनी उसके वॉइड है, वॉइड है। तो अब देखिए श्रिंकेज लिमिट को क्या कहा जा रहा है कि ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स में ओरिजिनल सॉलिड पार्टिकल है, ये ओरिजिनल सॉलिड पार्टिकल में इसके वॉइड में क्या भरा है, वाटर भरा है, इसके वॉइड में क्या है, वाटर मिक्स है। अब हमने इसको कंप्रेस किया, हमने इसमें क्या किया, कंप्रेस किया। तो जैसे ही हमने इसको कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम V1 से कितना हो गया, V1 माइनस V2, यानी कि इसका वॉल्यूम पहले V1 था, फिर बाद में जब हमने इसको कंप्रेस किया तो ये इतना जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो इतना ये एक्स्ट्रा वाटर है
ये वाला वाटर, ये एस्केप आउट होके निकल गया, और ये जो कंडीशन है ये ओरिजिनल कंडीशन है, ये VD, ये जो कंडीशन है ये ओरिजिनल कंडीशन है, सॉयल एट श्रिंकेज लिमिट, ये इसकी ओरिजिनल कंडीशन है, हमने इस कंडीशन से वाटर को उठाया, यानी कि ओरिजिनल सॉयल पार्टिकल, यहाँ पे हमारा लिक्विड लिमिट से, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा वाटर ऐड है, तो इस कंडीशन में जितने वॉइड्स हैं सॉयल के, उस वॉइड से ज्यादा पानी मिला हुआ है, तो इस कंडीशन में हमने ये सॉयल पार्टिकल्स के, सॉयल के सॉलिड्स हैं, और सॉयल सॉलिड्स में ये वाटर मिक्स है, क्या मिक्स है, वाटर मिक्स है, तो जब इस सॉयल सॉलिड्स में वाटर को हम लोग कंप्रेस करेंगे तो वाटर हमारे वॉइड से एस्केप आउट हो जाएगा, उसके छिद्रों से बाहर निकल जाएगा, लेकिन कब तक निकलेगा, जो इनिशियल वॉल्यूम है सॉयल का वो उतना ही रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम कहाँ पे था, ये था हमारा ना, तो इससे हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या कर दिया, हमने वाटर कंटेंट हमने थोड़ा सा रिमूव किया, तो हमारी ये ओरिजिनल कंडीशन में आ गई, ये है ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल ओरिजिनल ये आ गया, ठीक है ना, मतलब कि इनिशियल स्टेट पे आ गया, नेचुरल स्टेट पे आ गया, नेचुरल वॉइड, नेचुरल वॉइड इसमें बचे, तो इस तरीके से हमने लिए, इससे वाटर इतना एस्केप आउट हो गया, इतना वाटर इससे कहाँ गया है, ये वाटर इतना इससे, इससे इतना ये वाटर बाहर चला गया, ये वाटर बाहर चला गया, ठीक है ना, इतना वाटर ये बाहर चला गया, ये ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, ओरिजिनल कंडीशन के बाद में जब हम इसमें इसको और ड्राई करेंगे, इसको और ड्राई करेंगे तो इससे वाटर बाहर निकलेगा, तो उस वॉइड में क्या भर जाएंगे, एयर भर जाएगी, उस वॉइड में जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसमें भर जाएगी एयर, तो उस कंडीशन में जो आपका वॉल्यूम है वी टू वो वी डी के बराबर ही होगा, उसको उस कंडीशन में जो वॉल्यूम है वी टू वो वी डी के बराबर ही होगा। अब देखिए इसमें दिखाया गया है, कंसिडर द सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग ए वाटर कंटेंट ग्रेटर देन द श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूम एंड मास, जब इसका वॉल्यूम श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा हो तो इसका मास m1 हो जाएगा और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा m1, ये है मास m1 और वॉल्यूम क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए, मास और वॉल्यूम और इतना v1 हो गया। अब क्या करेंगे, द सॉयल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू ए ड्राइंग, सॉयल सब्जेक्ट को हम लोग और ड्राई करेंगे, जैसे कि ये देखिए बना हुआ है, यहाँ पे हमने लिया था, ये था WS, इसको और ड्राई करेंगे तो इस कंडीशन में जो सॉइल पार्टिकल्स उतने तो ही रहेंगे, लेकिन जो वाटर भरा था उस वाटर की जगह क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी, तो ये क्या भर गए, एयर आ जाएगी, तो जो V2 था ओरिजिनल कंडीशन में वो VD के बराबर ही होगा, और ये VS सॉइल सॉलिड्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये VS हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम इसका VA, एयर का एरिया। तो द सॉयल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू ड्राइंग एंड टू ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ए ड्राइंग व्हेन इट्स वाटर कंटेंट इक्वल्स टू द श्रिंकेज लिमिट, जब इसका वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के बराबर हो, यानी कि जो सॉयल की ओरिजिनल कंडीशन में पार्टिकल्स थे उसके वॉइड में केवल पानी भरा है, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर हमने निकाल दिया। लिमिट इट्स मास एंड वॉल्यूम आर m2, उसका मास कितना हो जाएगा m2 और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा v2, आफ्टर इट्स कंप्लीट ड्राइंग लेट्स द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सैंपल MD एंड VD, अगर इसको कंप्लीट ड्राई कर देंगे तो इसका मास हम लोग MD लिख सकते हैं और इसका वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं VD लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा VD लिख सकते हैं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा VD। अब देखिए वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है, वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है उसको आप समझिए, अब हम लोगों को वाटर कंटेंट ही निकालना है, यानी कि श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट हमारा कितना था, तो श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट हमारा कितना था ये चीज हमको देखनी है। तो अब देखिए मास ऑफ वाटर इन सेकेंड, इस कंडीशन में मास ऑफ वाटर कितना है और टू द मास ऑफ सॉलिड, यानी कि वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड आपका होता है वाटर कंटेंट। तो अब देखिए किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ वाटर इन वन, अगर हम लोग वन वन में मास निकालना चाहें तो हम लोगों का कैसे निकल आएगा, मास ऑफ वाटर यानी कि M1 जितना ओरिजिनल कंडीशन में मास होगा, यानी कि वेट जितना ओरिजिनल कंडीशन में वेट होगा, और उस कंडीशन में अगर हम लोग सॉलिड का वेट घटा दें यानी कि MD का वेट घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकला जाएगा मास ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ वाटर निकल आएगा हमारा। अब देखिए मास ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम वन टू टू, एक से दो में ये कितना वाटर हमारा एस्केप आउट हो गया, तो हमें निकालना है मास। तो बेटा यूनिट वेट बराबर क्या होता है, गामा डब्ल्यू बराबर, अगर हमने देखा यूनिट वेट बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम,
तो वेट ऑफ वाटर, क्योंकि हमको वाटर का ही निकालना है, तो वेट ऑफ वाटर कर देंगे और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कर देंगे, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब हमको निकालना है वेट ऑफ वाटर, तो कि हाउ मच वाटर टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम दिस कंडीशन. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जब हम लोग निकालेंगे या फिर वेट ऑफ वाटर निकालेंगे, तो गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू, यानी कि वाटर कितना हमारा स्केप आउट हो गया. तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें, ये सॉरी यूनिट वेट का साइन ले लीजिए इसमें, गामा गामा डब्ल्यू इंटू वी वन माइनस वी टू, यहाँ की क्योंकि हम लोग मास की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट वेट की बात नहीं कर रहे हैं. तो मास बराबर होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, मास बराबर होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, इसलिए हम लोग इसको डेंसिटी ही ले लेंगे. तो डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर मास ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमको यहाँ मास ऑफ वाटर को निकालना है, तो मास ऑफ वाटर जो निकल के आएगा हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ से हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, इतना वॉल्यूम निकला हमारा, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर. तो हमारा मास ऑफ वाटर यानी एम डब्ल्यू हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, एम डब्ल्यू हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो गया. जब हमारा एम डब्ल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया, तो अब देखिए जरा कितना मास ऑफ वाटर हो गया. अब हमारा टोटल कितना वाटर हमारा एस्केप आउट हो गया है, कितना वाटर हमारा निकल के बाहर चला गया है, वो चीजें हमने यहाँ पे देखी. अब हमारा देखना है मास ऑफ वाटर इन टू, अगर हम लोगों को इस पूरे में मास ऑफ वाटर अगर हम लोगों को देखना है टोटल, तो सबसे पहले हम क्या करें कि मास ऑफ वाटर है कि, तो ये वाटर को भी हमें काउंट करना पड़ेगा, इस वाटर को भी हमें काउंट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अगर हम लोग क्या कर दें कि टोटल वाटर में जितना वाटर एस्केप आउट हो गया है, यानी कि इतना वाटर का मास हमको निकालना है कि टू में कितना वाटर बचा, उसके वॉइड में कितना वाटर भरा है, उसके जो सॉइल मास है उसके वॉइड में कितना वाटर भरा है. तो m1 माइनस md, यानी कि इस पूरा ये टोटल इसका मास कितना है, m1 है, और md का मतलब ये सॉलिड्स अगर हमने घटा दिए, तो जब हमारा कितना बच जाएगा, जब हमने इतना घटा दिया तो हमारा इतना बच जाएगा, इतने का मास हमारा आ जाएगा. इतने का जब मास आ जाएगा हमारा कहाँ से, m1 माइनस md से इतना आ जाएगा. अगर हम इसमें इतना और घटा दें, अगर हम इतना मास अगर और घटा दें, तो क्या हमारा इतने का मास नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, हमारे इतने का मास बिल्कुल मिल जाएगा. तो v1 माइनस v2 हमने ऊपर वाला भी घटा दिया इसमें, तो हमारा ये जो वाटर प्रेजेंट बचा रह गया उस सॉइल मास में, हमारा वो वाटर फाइंड आउट हो जाएगा. तो मास ऑफ वाटर हमको पता चल गया है. अब हमने क्या किया कि मास ऑफ वाटर हमको पता चल गया, तो अब हमने क्या किया कि इस कंडीशन में हमने इसको उठा के, फॉर्मूले को उठा के इसमें यहाँ रख दिया, मास ऑफ वाटर को निकाल के रख दिया. अब श्रिंकेज लिमिट मॉइस्चर कंटेंट बराबर क्या होता है, मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड. तो मास ऑफ वाटर कितना था, m1 माइनस md, m1 माइनस md, m1 माइनस md, m1 माइनस md, m1 माइनस md माइनस का v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 इंटू रो w अपॉन में कितना हो जाएगा, md अपॉन में कितना हो जाएगा, md हो जाएगा. अब जब ये m1 माइनस md है, तो ये भी तो मॉइस्चर कंटेंट ही है ना, m1 माइनस md तो मास ऑफ वाटर ही तो है ना यार. तो जब मास ऑफ वाटर हो जाएगा, तो इनिशियल कंडीशन में जो वाटर है m1 माइनस md, जब इस टोटल में इतना ये घटा देंगे तो ये इतना वाटर बचेगा, तो इनिशियल कंडीशन में वाटर कंटेंट कितना था वो आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे जो फॉर्मूला ये वाला बन रहा है v1 माइनस v1 माइनस vd, vd यानी v2 के बराबर इंटू रो w अपॉन md, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से इतनी चीजें मिल जाएंगी, यानी कि ये श्रिंकेज लिमिट का आपका एक ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, श्रिंकेज लिमिट का आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको. आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में. श्रिंकेज लिमिट बराबर एक फॉर्मूला और बन जाता है बेटा, रो डब्ल्यू अपॉन रो जी. अब देखिए वो फॉर्मूला कैसे बनता है, वो फॉर्मूला आपका यहां से बन सकता है आपका कैसे, कि अगर हम लोग वाटर कंटेंट देखें, तो मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ ड्राई सैंपल, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. तो मास ऑफ वाटर हमारा कितना एस्केप आउट हुआ है, इसमें कितना बचा है, हमारा टोटल v1 माइनस v2
वी वन माइनस वी टू इंटू रो डब्लू अपॉन कितना बचाइए एम डी इतना वाटर हमारा एस्केप आउट हो गया है, इतना वाटर हमारा एस्केप आउट हो गया है। अब उसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि वी टू माइनस वी डी, चलिए ठीक है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी सहायता से हमारा आपका ये वाला फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। ये है आपका श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट ये है और श्रिंकेज रेशियो आपका ये है। इस श्रिंकेज रेशियो को जैसे मैंने डिफाइन कराया कि वी वन माइनस वी टू अपॉन वी डी अपॉन, जैसे ही वाटर कंटेंट आपका चेंज होता है तो ड्राई वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है, ये चीज आप श्रिंकेज रेशियो में सीखे। तो ये फर्स्ट अप्रोच से आपने, ये इनिशियल वाटर कंटेंट है आपका जो ये W1 निकल के आया है। अब जब आप दूसरे अप्रोच से निकालेंगे तो इस दूसरे अप्रोच से जब आप निकालेंगे तो श्रिंकेज लिमिट बराबर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि डब्ल्यू एस श्रिंकेज लिमिट यानी कि वाटर कंटेंट ही तो है ये, कि उस कंडीशन में कि जिसका जो ओरिजिनल कंडीशन है सॉइल की, उस ओरिजिनल कंडीशन में डब्ल्यू वाटर कंटेंट आपको निकालना है। तो ये वेट ऑफ वाटर होता है अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो वेट ऑफ वाटर यानी कि मास ऑफ वाटर, यहाँ पे हमको करना है मास ऑफ वाटर, क्या करना है मास ऑफ वाटर, यहाँ पे हमको काउंट करना है मास ऑफ वाटर, और यहाँ पे भी हमको क्या काउंट करना है मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड। जब मास ऑफ वाटर हमको निकालना है तो मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा कि हम टोटल मास में, अगर हम टोटल मास में हम लोग इतना मास हम लोग रिड्यूस कर दें, जब हम लोग इतना वेट हम लोग रिड्यूस कर दें तब क्या हमारा वेट ऑफ वाटर नहीं आ जाएगा या मास ऑफ वाटर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? जैसे कि हमने पहले ऊपर वाले में किया था, तो टोटल हमारा वॉल्यूम डेंसिटी हमको वाटर की पता है, हमको जब वाटर की डेंसिटी पता है तब हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए जरा यहाँ पे कि मास ऑफ वाटर हमको निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम देखें तो ये होता है बेटा मास ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ, यानी कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमको फाइंड आउट करना है मास ऑफ वाटर। तो जब हम लोग मास ऑफ वाटर को फाइंड आउट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो जब डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर का मल्टीप्लीकेशन है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये टोटल वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर से घटा दें या डिक्रीज माइनस कर दें तो क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। कैसे? रो डब्ल्यू जो डेंसिटी है हमारी उसको वैसे ही कॉन्स्टेंट रखिए, टोटल वॉल्यूम होगा हमारा वी टू, और जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो क्या है वी एस, क्या हो जाएगा वी एस हो जाएगा, सॉलिड का जो वॉल्यूम है इतना इतना ये हो जाएगा बेटा वी एस, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए वी एस लिखा हुआ है वी एस। इस तरीके से इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें तो अब देखिए वाटर कंटेंट बराबर श्रिंकेज लिमिट, यानी कि जो श्रिंकेज लिमिट बराबर होती है मास ऑफ वाटर की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं किसको, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई वी टू माइनस का वी एस, वी टू माइनस का वी एस अपॉन में क्या कर दें मास ऑफ सॉलिड कर दें, मास ऑफ सॉलिड कर दें। जब मास ऑफ सॉलिड कर देंगे तो इस केस में दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए, कैसे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करवा दीजिए और इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करवा दीजिए। तो किस तरीके से देखिए जरा देखते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अरे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वाटर कंटेंट बराबर हमको मास ऑफ वाटर था और मास ऑफ सॉलिड था, तो मास ऑफ सॉलिड था तो मास ऑफ वाटर कितना निकल के आया था हमारा V2 माइनस का Vs इंटू रो W अपॉन Ms। अब ये V2 किसके बराबर है बेटा, Vd, Vd के बराबर हम लिख सकते हैं, जो ये Vd है कोई दिक्कत नहीं है, लिख दें इसको। तो Vd इंटू रो W अपॉन में Ms माइनस का Vs इंटू रो W इंटू का एम एस। अब देखिए डेंसिटी ऑफ, अगर हम लोग सॉलिड की निकालना चाहें, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ किसकी है, ड्राई की, ये ड्राई कंडीशन में है,
ये ड्राई है, और ये किसकी कंडीशन है, ये आपकी सॉलिड की, सॉलिड की, सॉलिड जो सॉइल के सॉलिड्स हैं, और ये ड्राई कंडीशन में जो सॉइल सॉलिड्स हैं उसकी कंडीशन है। तो अब देखिए डेंसिटी ऑफ, अगर हम इसकी निकालें तो ड्राई डेंसिटी अगर हम निकालें तो मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स ड्राई कंडीशन में। सॉइल सॉलिड्स की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडी लिख सकते हैं, वीडी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वीडी। ऐसे ही अगर हम इसकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स निकालना चाहें, डेंसिटी ऑफ अगर सॉलिड्स निकालना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, वाटर कंटेंट बराबर हो जाएगा, इसकी जगह क्या रख देंगे हम लोग रो डी, यानी कि रो डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा रो डी, रो डी माइनस का कितना हो जाएगा रो डब्ल्यू अपॉन रो एस। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कौन सी है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये। और ये कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है अपेरेंट, अपेरेंट आभासी, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं W बराबर वाटर कंटेंट, डब्ल्यू एस बराबर वन अपॉन जी एम, दिस अपॉन दिस होता है माइनस का वन अपॉन जी, ये हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी में लिख सकते हैं। तो वही चीज आपकी आ गई, रो डी अपॉन रो डब्ल्यू, इसको लिख दिया हमने वन अपॉन जी, दिस अपॉन दिस होता है, वन अपॉन में आ जाएगा। तो ये पूरी कंडीशन आपका, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से प्रूव हो जाएगा। इसी को हम लोग श्रिंकेज रेशियो भी बोल देते हैं, श्रिंकेज रेशियो किसको बोलते हैं, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू को, श्रिंकेज रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू को, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, जो मैंने अभी आपको वो टर्म में क्लियर किया था।